आपको जब क्रोध आता है तो कौन सा धुन आपके आपके मस्तिष्क या स्मृति पटल में आप उसका स्मरण करते हैं तो शांत होता है? मुझे एक बड़ी प्यारी गजल की मुझे पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, जो भगवान कृष्ण परक ही है, मैं दर्शकों को सुना रहा हूँ यहाँ से। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। तेरे सजदे में ये तमाम जहां, अपनी ठोकर से मैंने मारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। बहुत खूबसूरत और अद्भुत स्वरगामी तो आप हैं ही, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे इससे पहले राजनीति की भी, कि इस मंच पर कई बड़े मंत्री नेता विधायक रहे हैं, और राजनीति की और धर्म की जब बात करें तो इस समय वक्त ऐसा है कि दोनों मिले हुए हैं। राजनीति धर्म में ज़्यादा है या फिर धर्म राजनीति में धर्म ज़्यादा घुस चुका है, इसे अब हटाना बहुत मुश्किल हो गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? मेरा अपना मत ये है कि किसी भी राजनीति में जब धर्म सत्ता का अंकुश नहीं होता है तो वह राजनीति विशुद्ध राजनीति न होकर कूटनीति हो जाती है। इसलिए हमारी यदि पुरानी परंपराओं को उठाकर देखें, इतिहास को उठाकर देखें, तो राज सत्ता के ऊपर सदैव धर्म सत्ता का अंकुश रहा है। इसलिए स्वच्छ राजनीति दिखाई पड़ती है समाज में। हम आज भी रामराज्य की कल्पना करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वशिष्ठ महाराज वहाँ धर्मगुरु थे और उनकी देखरेख में उनके अंकुश से भगवान राम भी राज्य करते थे। लेकिन स्वामी जी इसलिए रोक रही हूँ कि उस दौर में शंकराचार्य या फिर जो ऋषि होते थे, संत होते थे, वो कमान संभालते थे कि मुझे जितने राजा हैं उनको मार्गदर्शन देने की ये बीड़ा उठाना है। उनके पास वो इच्छा शक्ति, वो कमांड होती थी कि मैं धर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करूंगा। आपको लगता है कि आज के दौर में वो सत्ता के ऊपर वो छत्र छाया जो हुआ करती थी संतों की, उस तरीके की है? देखिए, समयानुसार स्वरूप चेंज हो जाता है, लेकिन मेरा अपना मत यह है कि बगैर अध्यात्म का सहारा लिए, बगैर धर्म का सहारा लिए कोई भी न्यायिक न तो न्याय कर सकता है और न ही कोई शासक लोगों पर शासन कर सकता है। इसके पहले भी जो सत्ताएं रही हैं, कोई न कोई महापुरुष से वो लोग हमेशा जुड़े रहे। हाँ। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को यदि हम देखें तो समय निकाल करके वो कभी केदारनाथ धाम जाते हैं, फिर जाने वाले, कभी भगवान महाकाल के मंदिर में जाते हैं, कभी किसी महापुरुषों के आश्रम में जाते हैं। तो बगैर आध्यात्म की शक्ति के कोई भी शासक शासन नहीं कर पाता है। इसलिए पहले महापुरुष लोग अपने आश्रमों में बैठ करके राजा पर अंकुश करते थे, और अब ये परिवर्तन थोड़ा ये देख रहा हूँ कि राजसत्ता के लोग खुद आश्रमों में जा करके आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। ये बदलाव है जी, तो इसका अच्छा बदलाव है या हाँ, कैसे आप देखते हैं? एग्जैक्टली, नहीं बिल्कुल, घड़े को ही नदी के पास जाना चाहिए। अच्छा। नदियाँ घड़े के पास नहीं आती हैं, तो जिनको आशीर्वाद की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनको खुद आश्रमों में चल करके जाना चाहिए। ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।